ઓફ DSLR એકેડેમી સુરત. પ્લીઝ જોરદાર તાળીઓ સાથે એમનું સ્વાગત કરીએ, ધ્રુવીનભાઈ જૈન. અને એમનું સ્વાગત કરવા માટે હું નમ્ર વિનંતી કરીશ રાજેશભાઈ ટેલરને, જે નવસારી એસોસિએશનના મંત્રી છે. ફ્રેન્ડ્સ, મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે લાસ્ટ 25 યર્સથી આ DSLR એકેડેમી ચાલી રહી, 2.5 યરથી આ DSLR એકેડેમી ચાલી રહી છે. 100+ સ્ટુડન્ટ્સ છે એ લોકો પાસે, ફોટોગ્રાફી, ફોટોશોપ, વિડીયો એડિટિંગ, સિનેમેટોગ્રાફી જેવા, ખબર નહીં મને એકચ્યુઅલી તમારા વિશે એટલું બધું નોલેજ નથી કે ટેકનિકલ કેમેરાને કેવી રીતે યુઝ કરવાનો ને આમ તેમ. બિકોઝ અમારું યંગસ્ટર્સની વાત કરીએ તો વી ઓનલી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ લેંગ્વેજ ઓફ સેલ્ફીઝ. સેલ્ફીઝનો ટ્રેન્ડ છે, વી નો ઓકે ચલો આ મોમેન્ટ છે, આ ઓકેઝન છે, લેટ્સ ટેક અ સેલ્ફી. બટ એકચ્યુઅલી કમેન્ડેબલ કામ હોય તો તમારા ફોટોગ્રાફર્સ અને વિડીયોગ્રાફર્સનું જે ટેકનિકલી વર્ક કરીને એકચ્યુઅલી એ મોમેન્ટને એકદમ ક્રિએટિવ રીતે ક્રિએટ કરે અને અમારી મેમરી બોક્સ એટલે કે અમારું આલ્બમ તો તમારા દ્વારા જ સર્જાશે. તો પ્લીઝ એકવાર તમારા માટે પણ જોરદાર તાળીઓનો સરદાર થઈ જાય. કિશોરભાઈ સોનગઢથી આપણી સમક્ષ આવ્યા છે તો એમને પણ હું સ્ટેજ પર, અને પિયુષ પટેલ એમનું સ્વાગત કરશે. પ્લીઝ જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય એમના માટે પણ. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને આ હતી આપની ઇનોગ્રેશન સેરેમની અને તમારા આજના આ એસોસિએશન ક્લબની સેમિનારનું હવે ફર્સ્ટ પાર્ટ સ્ટાર્ટ થવા જઈ રહ્યો છે અને ફર્સ્ટ સેશન હું હવે હેન્ડઓવર કરીશ ધ્રુવીનભાઈ શાહને. તો પ્લીઝ જોરદાર તાળીઓ સાથે એમનો સ્વાગત કરીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. ગુડ મોર્નિંગ એવરીબડી. યા મુજે યે કહા ગયા થા અભયભાઈ રાજુભાઈ ને કહા થા કે નવસારી કે એસોસિએશન કે લોગો મે ઇતના પાવર હૈ કે યે હોલ બહોત છોટા પડેગા ઉસકી આવાજ સે. તો પ્લીઝ એક બાર જોર સે ગુડ મોર્નિંગ એવરીબડી. ગુડ. એક બાર તાલિયા હો જાય અપને લિયે કે આપ સન્ડે કો સુબહ સુબહ અપના ફેમિલી કે સાથ જો આપ ટાઈમ બિતાતે હૈ વો કીમતી વક્ત નિકાલ કર यहाँ पर नवसारी एसोसिएशन के सेमिनार में आप लोग इन्वॉल्व हुए हैं. अपने लिए एक बार जोरदार क्लैप, क्योंकि अपने से खूबसूरत दुनिया में और कोई नहीं है. जो है वो अपन है, अपने से खूबसूरत इस दुनिया में और कोई नहीं है. इस सेमिनार का स्टार्ट करता हूँ मेरे इंट्रोडक्शन से. नाम ध्रुवीन जैन है, आप ही के बीच में से आया हुआ शख्स हूँ. बेसिकली बिलोंग करता हूँ राजस्थान उदयपुर से, पर पिछले 5-6 साल से सूरत में रह रहा हूँ और फोटोग्राफी कर रहा हूँ. फोटोग्राफी के बारे में मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जब छोटा था, तब से माहौल था घर में फोटोग्राफी का, क्योंकि फादर भी फोटोग्राफर थे. स्टूडियो लाइट मैन्युफैक्चरिंग का काम है राजस्थान में. वहाँ से करते करते दिन भर फोटोग्राफ फोटोग्राफर फोटोग्राफर से मिलते रहते थे. तो दिमाग में एक ही बात आती थी कि यार लाइफ में कुछ भी करना है ना, ये फोटोग्राफी नहीं करनी. जब छोटा था तब से दिमाग में ये था कि कुछ भी करूँगा पर फोटोग्राफी तो नहीं करूँगा. क्यों? क्योंकि उससे चिढ़ हो गई थी. मैं आज आपके सामने ऐसे कुछ क्वेश्चन रखने वाला हूँ जो अपने सामने हमेशा आते हैं. और जब अगर एक छोटा बच्चा ये सोच सकता है तो आप लोग एक बार ये सोचिएगा कि क्या अपने बच्चे ये चीज़ सोचते हैं कि नहीं सोचते. क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, एक बार सभी अपनी जगह ले लें पीछे भी तो बहुत अच्छा रहेगा. क्योंकि ये सेमिनार किसी और के लिए नहीं, जो चेयर पे अपने शख्स बैठा है उसी के लिए है. एक एक पर्सन के लिए सेमिनार होने वाला है. जो आज मैं आपसे इतना वादा कर सकता हूँ कि यहाँ से आप कोई ना कोई ऐसा एक मोमेंट कैच करके जाएंगे जिससे आपकी लाइफ के अंदर बहुत कुछ चेंजेस आ सकते हैं. बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ. सिर्फ आपको इसको गौर से सुनना है जो मैं आपके सामने बोलने वाला हूँ. कोई नॉलेज नहीं बांटने वाला, कोई आपको कुछ समझाने नहीं वाला. मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है पिछले 6-7 साल का फोटोग्राफी का, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. मेरे दिमाग में हमेशा एक ही बात होती थी कि यार मेरे को फोटोग्राफर नहीं बनना. रीज़न क्या था? रीज़न ये था, आज जितने लोग बैठे हैं ना सभी के साथ ये चीज़ होती है. पहला रीज़न ये था कि जैसे ही वेडिंग में जाते हैं, फोटोग्राफी मीन्स क्या? वेडिंग, इसके अलावा और कुछ भी नहीं. दिमाग में क्या आता है? लोग यही बोलते हैं ये फोटोग्राफर इधर आ. तो मैं थोड़ा सा ईगोस्ट्रिक आदमी था कि नहीं, लगता था कि यार कोई अपने को ऐसा कैसे बुला सकता है ये फोटोग्राफर इधर आ. होता है ऐसा? नहीं होता हो तो बहुत अच्छा है. मैंने ऐसा देखा तो मुझे तब से ऐसा हो गया था कि यार कुछ भी करूँगा पापा, पर फोटोग्राफी तो कभी नहीं करूँगा. बट फिर पापा ने फोर्स किया, पापा ने बोला कि नहीं ये फील्ड ऐसा है. धीरे धीरे मैंने इस फील्ड को समझा, तब पता लगा कि यार फोटोग्राफी मीन्स जो अपन सोचते थे, जो देखते थे, वो था ही नहीं. सिर्फ बात थी अपने नज़रिए की, जिस नज़रिए से अपन ये चीज़ देख रहे हैं. मैं आज आपके सामने आपका सिर्फ और सिर्फ आपका नज़रिया चेंज करने की कोशिश करूँगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करूँगा. मेरे से बेहतरीन फोटोग्राफर आप लोग हैं, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस फोटोग्राफर आप लोग हैं,
मेरे को सिर्फ 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, ज्यादा नहीं। सब काम आपका मेरे से बेहतर है, बस सिर्फ एक जो चीज है वो है आपका नजरिया, फोटोग्राफी का देखने का जो नजरिया है, उसको अप्लाई करने का जो नजरिया है उसको चेंज करना है, और कुछ भी नहीं है। तब मैंने ये चीज समझी कि मैंने कहा फोटोग्राफी तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट आज तक कोई है नहीं जिसके अंदर आप रोज कुछ ना कुछ नया कर सको। डॉक्टर के पास जाओगे तो रोज वो नब्ज ही चेक करेगा, रोज एक साथ ज्यादा ट्रीटमेंट करेगा। सीए के पास जाओगे तो रोज सिग्नेचर करेगा। सबका एक जैसा प्रोफेशन है, बट फोटोग्राफी ऐसी चीज है जहां पे आप कभी भी स्टॉप नहीं हो सकते हो। आपको रोज कुछ ना कुछ नया करना है, रोज आपके पास क्रिएटिविटी है। तब मैंने देखा कि यार ये चीज अपना एक एज ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर। और एक चीज और पूछना चाहूंगा, यहां कितने लोग फोटोग्राफर हैं? सभी के हाथ खड़े। अब एक सेकंड क्वेश्चन और पूछूंगा, कितने लोग प्रोफेशनली फोटोग्राफी करते हैं? लगता है ना डाउट? देखो मैं आपको एक चीज है, मैं तो आपको यहां बोलने आया हूं, ठीक है? और इतना मैं मेरे काम में बहुत एक्सपर्ट हूं, मेरे को बहुत अच्छे से करने आता है, वही चीज अपने अंदर लानी है। मैं आज आपके दिल और दिमाग में फोटोग्राफी का नया तरीका, नई सोच आपके दिल में डालने आया हूं, वो काम मैं परफेक्टली करके जाऊंगा। अब आपको है कि किस तरह से आप उसको कैच कर सकते हैं। अपन इतने साल से, मेरे ख्याल से मेरे एक्सपीरियंस से ज्यादा एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे बैठे हैं, और अपने आप को प्रोफेशनल फोटोग्राफर बोलने में अगर हिचकते हैं तो थोड़ा सा सोचने की जरूरत तो है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सोचने की जरूरत है। वो सोच अपन को बदलनी है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है एक टैल होता है। अपन एक ही चीज लेके बैठे रहते हैं कि फोटोग्राफी मीन्स किस चीज की फोटोग्राफी करते हैं अपन। कोई बता सकता है मेरे को कि अपन फोटोग्राफी किस चीज की करते हैं? अपन बोलेंगे वेडिंग, इसके अलावा और कुछ भी नहीं रहता अपने पास कि अपन बोलेंगे वेडिंग। क्या फोटोग्राफी सिर्फ वेडिंग से रिलेटेड है ऐसा? आप मेरे को, मैं सेमिनार नहीं देने आया, एक चीज एकदम क्लियर है, मैं आपसे सिर्फ बातचीत करूंगा, आप मेरे को रिप्लाई देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या फोटोग्राफी सिर्फ वेडिंग से रिलेटेड है? बहुत सारा फील्ड है इसका, क्या अपन कभी ट्राई करते हैं? सीजन में जब अपना कैमरा ऑफ हो जाता है, सीजन के बाद जब अपन कैमरा एक बार पैक करके रखते हैं, क्या कभी खुलता है? स्टूडियो वाले होंगे तो कभी कभार कोई कस्टमर आया बारिश के टाइम में तो अपन क्लिक करते हैं, बाकी बारिश के टाइम में सब फ्री होते हैं। अभी जैसे दिनेश जी ने बताया कि उस पिक्चर को $22,000 का अवार्ड मिला, मैं आपको इतना श्योरिटी दे सकता हूँ, इतनी श्योरिटी दे सकता हूँ कि यहाँ पर बैठा बैठा हर शख्स उस लेवल पे पहुंच सकता है। सिर्फ अपने दिल का दरवाजा खोलना है, अपनी जो सोच है वो ब्रॉड करनी है। एक अपना दायरा सीमित है कि फोटोग्राफी सिर्फ नवसारी में होती है, फोटोग्राफी सिर्फ सूरत में होती है, ऐसा कहीं नहीं है, आपके पास भरमार है। और एक चीज और चाहूंगा, उतने में वो बच चुका है, कि मैं आपसे ये वादा कर सकता हूं कि मैं आपको आज आपकी लाइफ का, फोटोग्राफी फील्ड का ऐसा एक मोमेंट दूंगा जिससे आप चाहें तो बेस्ट से बेस्ट, वर्ल्ड के बेस्ट फोटोग्राफर के नाम में लिस्ट में अपना नाम ऐड कर सकते हैं। बट एक चीज मैं आपसे चाहूंगा, ना तो डिस्टर्ब हो और ना ही डिस्टर्बेंस का हिस्सा बने। मोबाइल फोन प्लीज से प्लीज साइलेंट पर रख लें, स्विच ऑफ करने को नहीं बोलूंगा क्योंकि किसी का इमरजेंसी कॉल हो सकता है, बट वाइब्रेट तो कर सकते हैं। किसी का कॉल आए चुपचाप बाहर निकल जाए और बातचीत कर लें, क्योंकि हो सकता है आपके लिए नहीं बट आपके पड़ोसी के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा मायने रखती हो, ठीक है? फिर जब मैं सूरत आया आज से 5 साल पहले, तब मेरे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उदयपुर में मैंने अच्छा से अच्छा स्टूडियो लगा के किया था। जैसे ही सूरत शिफ्ट हुआ, आज भी पर्वत पाटिया में मेरा स्टूडियो है। लोगों को ये लगता है, बहुत सारी चीजें लगती है कि यार हम कैसे कर पाएंगे। मैं आपको आज सारी चीजें वो बताऊंगा कि आप लोग जिस लेवल पर हैं उसी लेवल पर मैं हूँ, उसी लेवल पर जो भी स्टेज पर सेमिनार में बोलता है वो सब वहीं से उठे हुए होते हैं, कोई अदर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता। आप देख रहे हो मेरे भी 2 हाथ है, 2 पांव, 1 नाक है, 1 मुंह है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। अगर आज मैं यहाँ हूं तो आप बैठा हुआ हर एक शख्स उस फोटोग्राफी के लेवल को अचीव कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच बदलनी है। मैं आपको आज एक पूरा डेमो बताऊंगा कि आप कितना फोटोग्राफी के अंदर अपनी सोच को आप चेंज कर सकते हो, क्या कुछ कर सकते हो। और भी मेरे को ऐसा एक क्वेश्चन आए थे कि यार लोग ये बोलते हैं कि भाई पैसा नहीं देते। मेरे पास आज बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैंने एसोसिएशन में बातचीत करी कि लोग पैसा नहीं देते, अपन पैसा नहीं ले पाते, पैसा क्यों नहीं ले पाते, अपन संभावना नहीं ढूंढ पाते किसी चीज की। मैं आज आपको वो चीज दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप एक फोटोग्राफी के अंदर कितनी सारी संभावनाएं ढूंढ सकते हैं। ऑप्शंस अपने पास लाइफ में बहुत कम होते हैं, अपन वेडिंग से रिलेटेड होते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वेडिंग, ठीक है?
मोबाइल फोन आपके साइलेंट हैं, एक चीज मैं आपसे और चाहूंगा, वो है आपका कोरा कागज, आपका दिमाग, आपका दिल एकदम ब्लैंक चाहिए आज मेरे को। कैसे? ये पॉट है मेरे पास, इस पॉट के अंदर अगर मेरे को कुछ डालना है, खाली होगा तो ही डाल पाऊंगा। प्लीज यार से यस। ओके, अब अगर मेरे को इसमें कुछ डालना है, आपके सामने ये तीन चार बॉल्स हैं, मैं इसमें डाल देता हूँ। हो गया फुल कंप्लीट? ठीक है, यहीं से अपनी सोच को बदलना है, इसी पोजीशन से। अपन क्या होता है, वेडिंग बहुत सालों से कर रहे हैं, पिछले 5 साल से 10 साल से 15 साल से 20 साल में अपन वेडिंग कर करके इतने वो हो चुके होते हैं कि अपन अपने आप को फोटोग्राफर मानते हैं, बट कभी भी ये नहीं लिखते अपने कार्ड के ऊपर कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर। सोच यहाँ से चेंज करनी है अपन को कि जहाँ पर अपनी लिमिटेशंस आ चुकी हैं उसके आगे आप क्या करते हैं, उसके आगे आप क्या सोचते हैं। ठीक है, ये पॉट मेरे पास बड़ा हुआ है, पर इसमें मैं चाहूँ तो और भी कुछ डाल सकता हूँ, मेरे पास स्मॉल बॉल्स हैं, अगर मैं इसको भरना चाहूँ तो इससे भी कंप्लीटली भर सकता हूँ। आप देखो आया कुछ? अब आपको लगेगा कि यार फिर भी और जगह है इसमें, अगर और भी मैं कुछ डालना चाहूँ तो आ सकता है क्या? फोटोग्राफी सिर्फ वेडिंग नहीं है, देखो बार बार मैं इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करूँगा, सिर्फ और सिर्फ वेडिंग नहीं है, आप प्रोडक्ट, मैंने एक फील्ड और चेंज किया स्मॉल बॉल डाल के। अब मेरे पास छोटे छोटे पेबल्स हैं जो मैं इसमें डालूँगा। कंप्लीटली भर सकता हूँ, देखो इसका भी। कभी सोचा था अपन ने कि एक पॉट के अंदर इतना कुछ भी आ सकता है? देन आफ्टर अब फुल है, कंप्लीटली फुल है, अभी भी जगह है ना उसमें, क्या डाल सकते हैं? ये बोतल आपके सामने रखी है। अब लोग बोलेंगे अब तो कंप्लीट फुल है, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर कुछ आ सके। फिर भी एक चीज थी अंदर जो अब बाहर निकली है, वो थी एयर। हर चीज में कुछ ना कुछ संभावना है, आपको फोटोग्राफी के अंदर यही ढूंढना है अटला कि आप क्या करना चाहें। और कभी भी अगर बनना हो ना, फोटोग्राफर के पास ही चैलेंज होता है। एक वेडिंग में जाते हैं, सामने वाला लड़की वाला फोटोग्राफर मिला तो एक दूसरे से जलते हैं, बहुत चीज मैंने देखी है ऐसा। ठीक है ना, कभी भी बनो ना तो इस इंक की तरह बनो या चाय पत्ती की तरह बनो कि साला जिस चीज में जाओ ना अपने आप को गोल उसका रंग मिला लो। अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, सारी प्रॉब्लम्स का आज सॉल्यूशन मैं लाने वाला हूँ। और उससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चेंज करना है फोटोग्राफी फील्ड के अंदर, और किसी को नहीं। अपना लाइफ का कोई टारगेट नहीं होता, अपन वेडिंग के बाद फ्री होते हैं, उसके बाद कैमरे को हाथ भी नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि मेरे फादर एक बात बोलते हैं कि फोटोग्राफर्स नहीं, रोटीग्राफर्स है। रीज़न क्या है उसके पीछे? क्योंकि अपन सिर्फ पैसा कमाने के लिए फोटोग्राफी करते हैं। कौन कौन लोग यहाँ शौक से फोटोग्राफर बने? जो जो शौक से फोटोग्राफर बने ना, उनके आप क्लिक्स देखिएगा आम लोगों से हटके ही होंगे। और कई लोग होते हैं कि यार फील्ड में कुछ करने को नहीं मिला, चलो यार फोटोग्राफी अच्छा प्रोफेशन है, चलो घुस जाते हैं कमाएंगे। क्यों? क्योंकि पैसा तो अच्छा मिलता है। फोटोग्राफी वो चीज़ नहीं है, पैसा तो कमाना है। जिस दिन आपके अंदर आर्ट भर गई, आमिर खान 3 इडियट्स में क्या कह गया, बहुत से लोगों ने नहीं सुना पर मैंने सुना कि काबिल बनो कामयाबी तो जख मरा के आएगी। अपन काबिल नहीं बनते, पैसे के पीछे भागते हैं, अपने पास आउटपुट नहीं होता, बट अपन सोचते हैं कि पैसा मिल जाए। कहाँ से मिलेगा? कोई चांस नहीं है मिलने का। चांस तभी होगा जब आपकी इंपॉर्टेंस होगी, और आपकी इंपॉर्टेंस अगर नहीं है, अपनी लाइफ का कोई टारगेट नहीं है, तब तक वो चीज़ नहीं बन सकती। मैं आप सबको बोलूँ कि ये दीवार को तोड़ना है, कौन कौन लोग तैयार होंगे तोड़ने को? यस या नो? कौन कौन तैयार होंगे कि इस दीवार को तोड़ो? कोई तैयार नहीं होगा। पर मैं अगर बोलूं कि आप अगर इस दीवार को तोड़ोगे और आपके लिए पीछे 50 करोड़ रुपए पड़े हैं, आप कौन कौन नहीं तोड़ेगा ये बताओ मेरे को? है रेडी सब? पहले आपके पास कोई रीजन नहीं था दीवार तोड़ने का, मैंने आपको एक सिंपल सा रीजन दिया कि आपको उसके पीछे इतनी सारी चीजें मिलने वाली हैं, तो आप लोग सब तैयार हो। अगर आपको कोई सामान नहीं मिलेगा ना, तो हाथ पांव से तोड़ने को तैयार हो जाओगे। यार मैं नहीं रहा तो मेरे घर वालों को 50 करोड़ मिलेंगे, क्या कभी सोच सकते हैं अपने पास आएंगे 50 करोड़? कौन कौन सोच सकता है? जो सोच सकता है उसके पास होंगे। मैं आज आपको रियल फैक्ट बता रहा हूँ। मैं पहला सेशन फोटोग्राफी तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि आप मेरे से बहुत अच्छी करते हो, सिर्फ कुछ ही चेंजेस करने हैं फोटोग्राफी बेस्ट करने के लिए। चेंज जो करना है वो सिर्फ अपने आप को करना है।
इंसान आप सबको यहाँ आना था, किसी ने रोका? किसी ने हाथ पकड़ के खींचा कि नहीं और मत जा सेमिनार में, नहीं मजा आएगा? ऐसा किसी ने बोला आपकी इच्छा थी इसलिए आज है? और कई लोग ऐसे होंगे जिनको इन्विटेशन मिला था और नहीं आ पाए, ठीक है, वो नहीं आए, वो उनकी इच्छा थी। सिर्फ और सिर्फ इंसान ही अपनी कामयाबी के बीच में रुकावट बनता है और कोई नहीं है, कोई भी नहीं। अगर आप चाहो, मैं आपको एक रियल फैक्ट बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड के बेस्ट फोटोग्राफर्स, जो पिक्चर्स अभी बताए गए आपको कि इस पिक्चर को इतना अवार्ड मिला, वो पिक्चर्स आपके हो सकते हैं। हमारी एकेडमी में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पिक्चर्स बहुत ऑसम है। क्यों है? मैं फोटोग्राफी नहीं सीखा था, मैं एक फैक्ट बोलता हूँ कि मैं फोटोग्राफी नहीं सीखा था। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका एटीट्यूड चेंज करने का एक मेथड बता देता हूँ, आपका सोचने का तरीका बता देता हूँ कि आप इस तरह से नहीं सोचें, इस तरह से सोचें, फोटोग्राफी तो खुद ब खुद आपकी बेस्ट हो जाएगी, क्योंकि वो तो क्लिकिंग अपने पास है, सिर्फ सेंस अपन को चेंज करना है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना। आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फोटोग्राफी इक्वलेंट CA, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उनसे महंगे प्रोफेशन आज अपने हो चुके हैं। आज एक अगर आपको प्रॉपर किट बनाना हो ना, फुल्ली प्रोफेशनली, मैं फुल्ली प्रोफेशनली की बात करूंगा, और अपन को चेंज होना है, आज के बाद फोटोग्राफर नहीं बोलना। फोटोग्राफर्स पर सबके हाथ खड़े हुए थे, बट प्रोफेशनल कौन कौन है उस पर हाथ खड़ा होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ आती है जो मैंने आपको भी बोली कि लाइफ का एम, जो मैंने आपको टारगेट दिया कि आप दीवार कब तोड़ोगे, जब आपको एम मिलेगा तब, कोई लाइफ का आपको एक आपका लक्ष्य होगा तब, अपना कोई लक्ष्य नहीं होता। फोटोग्राफर्स का आपने कभी टारगेट लिया कि यार 5 साल बाद मैं अपनी एक कार लाऊंगा या घर बनाऊंगा? घर बनाने का टारगेट लेते हैं, बट उसके बाद अपने सपने अपने बच्चों से एक बार ज़रा पूछेगा कि यार कहाँ घूमने जाना है, तो सबके नाम आउट ऑफ इंडिया के होंगे। कौन सी कार चाहिए? तो BMW, मर्सिडीज ही निकलेगा, नॉर्मल कार नहीं निकलेगा। और अपन जब बड़े हो जाते हैं तब क्या बोलते हैं, चलो ना यार एक नॉर्मल कार चलेगी, वैगनार चलेगी या अल्टो चलेगी या ये चलेगी, यही करते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि जैसे जैसे जब इंसान बड़ा होता है ना, अपनी सोच बदलती जाती है, अपने को हर तरफ से प्रेशर आता रहता है, पैसे का प्रेशर, ये प्रेशर, क्यों ना उस प्रेशर से आउट होकर आप खुले दिल से फोटोग्राफी करो, देखो पैसा ऐसे आएगा। आज हम भी कर रहे हैं फोटोग्राफी, मैं ये नहीं बोल रहा कि उस लेवल पर आप उस लेवल तक पहुँच सकते हो जहाँ पर आपको कोई बीट नहीं कर सकता, और वो लेवल सिर्फ और सिर्फ आपका दिल आपको रोक रहा है। हर इंसान के अंदर एक डर होता है, कहते हैं ना वो ऐड आती है, डर के आगे जीत है, उस डर से जो आगे निकल जाता है ना, उसको रियल मायने में जीत मिलती है। सभी के मन में एक डर होता है, फोटोग्राफी करेंगे यार, फोटोग्राफी करने से क्या आउटपुट निकलेगा, कैमरा नहीं निकालते, मैं फोटोग्राफी करने जाऊँगा लोग क्या बोलेंगे, ये क्या कर रहा है, गाय भैंस के फोटोज क्लिक कर रहा है, क्या मतलब निकलेगा, उससे पैसा नहीं आएगा, उससे आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, आप क्या क्रिएट कर सकते हैं। हमारे बैचेस के अंदर हम सबसे पहली चीज़ ये बताते हैं कि भाई स्टूडियो लाइट्स भूल जाओ, आपके पास स्टूडियो लाइट्स है, आप कैसे अवेलेबल लाइट में फोटोग्राफी कर सकते हैं? अपने कैमरे को बोलते क्या है, कोई बता सकता है? अपने कैमरे का एक मॉडल होता है, उस मॉडल को बोलते क्या है? DSLR बोला जाता है। DSLR का फुल फॉर्म क्या होता है बहुत कम लोगों को पता होगा, बहुत टाइम से अपन फोटोग्राफी फील्ड में, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अपन को प्रोफेशनल टच लाने से रोकती है। वो टच अपने को आज सॉल्यूशन कर देना है कि भाई अब से मेरे आगे, नाम के आगे प्रोफेशनल फोटोग्राफर लगना है, ना कि सिर्फ फोटोग्राफर। तैयार है आप लोग? कुछ ही लोग तैयार हुए यार, जिस तरह से ये मैंने पॉट भरा है ना, कुछ लोग अपने दिल पे लिखने नहीं देंगे आज मेरे को, कि बोलेंगे यार, कुछ लोग तो बिल्कुल ब्लैंक हो चुके होंगे अभी तक कि नहीं, अब आप जो लिखना चाहो, जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूं, बट कुछ लोग अभी भी ब्लैंक होंगे, यार ठीक है चलो ना, बोल रहा है बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारे स्पीकर्स आए, बोल के चले गए, बट फिर भी मेरे पास छोटी बॉल का ऑप्शन था, कहीं ना कहीं तो लिखूंगा पेज पे, कहीं ना कहीं तो लिख के जाऊंगा ही जाऊंगा कि आपको फोटोग्राफर से प्रोफेशनल फोटोग्राफर की तरफ टच होना ही है। अगर आज नहीं हुए ना, मैं आपको एक रियल फैक्ट बता रहा हूँ, अगर आज नहीं हुए तो कल जबरदस्ती होना पड़ेगा। किसी ने देखे वेडिंग के अंदर अमेचर्स के पास SLRs? किस किस ने देखे? बहुत से लोगों ने देखे। और किस किस ने ऐसा देखा है कि अपने कैमरे से अच्छा कैमरा अमेचर्स के पास मिल जाता है? देखा है ना, अगर अमेचर्स के पास अगर अच्छे से अच्छे कैमराज आ गए तो फिर अपना क्या होगा? पहले आपने देखा होगा कि पहले बर्थडे की फंक्शन है, छोटे मोटे फंक्शन में फोटोग्राफर को बुलाया जाता था, अब क्या करते हैं, प्रिंट लेके आते हैं, किसकी प्रिंट कर दो, कितना मिलता है प्रिंट में, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, निकलेगा अपना खर्चा? नहीं निकलेगा।
तो क्या कहता है, फोटोग्राफी फील्ड छोड़ी जाए? ये तो है नहीं, वो तो कर नहीं सकते। पुराने लोग बोलते हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आए थे, मैं अहमदाबाद में एक जगह लोगों से मिलने गया था, तो वहाँ मेरे को, मैं कुछ बोलना स्टार्ट करूँ उससे पहले उन्होंने ये बोला कि यार यहाँ पे लोग पैसा नहीं देते। ऐसा यहाँ होता है? यहाँ पे भी कुछ लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं देते, ठीक है। आप नवसारी के लोगों को नहीं जानते, यहाँ के लोग बहुत चंगूस हैं, यहाँ के लोग पैसा नहीं देते। ये बात तो मेरे को अहमदाबाद में भी बोलते हैं, जूनागढ़ में भी बोलते हैं, और उदयपुर में भी बोलते हैं, हर जगह मैंने एक ही लाइन सुनी है। तो पूरी दुनिया के लोग एक जैसे, पैसा सिर्फ अपने को निकालने आना चाहिए। मैं आपको बोलूँ कि यार मेरे को 200-200 रुपये और दे दो एक्स्ट्रा, आपने 200-200 रुपये सेमिनार के लिए तो दिए, 200-200 और दे दो, दोगे? कोई नहीं देगा, ठीक है। जब आप देने को तैयार नहीं हो तो आपका कस्टमर आपको क्यों देगा? रीजन मेरे को बताओ, क्यों देगा वो आपको एक्स्ट्रा पैसा? आप अगर उसका 20,000 में ऑर्डर कर रहे हो, आप बोलो 25,000 दे दो तो देगा आपको? क्यों देगा वो जब खुद देने को तैयार नहीं हो? अपन एक जीन्स परचेस करते हैं, 1,000 रुपये उसकी कॉस्ट होती है, 1,200 दे के आता है कोई? कोई दे के नहीं आता। कोई है ऐसा शख्स जो दे के आता है? तो आपका कस्टमर आपको क्यों देगा? फिर अपन बोलते हैं पैसा कस्टमर देता नहीं है। नहीं देगा वो आपको? क्या आपने उसको एक्स्ट्रा ऐसा कुछ दिया है जिसका पैसा वो आपको दे? वो एक्स्ट्रा अपन देते ही नहीं। अपने 5 साल पहले के एल्बम देखें, वही ब्लैक बैकग्राउंड पे पिक्चर होंगे, वही विधि के फोटोज होंगे, सब कुछ सेम होगा जो 5 साल पहले था। और अपने बच्चों की बुक्स देखना, जो फर्स्ट क्लास में थी वो सेकंड क्लास में नहीं होती, जो सेकंड क्लास में थी वो थर्ड क्लास में नहीं होती। मैंने अधिकतर के एल्बम्स देखे हैं, वही ब्लैक बैकग्राउंड पर पिक्चर्स आ रहे हैं, सेम विधि के पिक्चर्स हैं, सब कुछ सेम है, वो का वही पैटर्न चलता आ रहा है। पिछले 5 साल से एक जैसा काम हो रहा है, तो फिर पैसा कहाँ से मिलेगा? अब वो वक्त आ चुका है बदलाव का, और अभी नहीं तो बाद में वक्त जब बदलेगा ना तो बहुत भारी पड़ेगा। आज बर्थडे के फंक्शंस, छोटे मोटे फंक्शंस तो अपने आप कट गए, वेडिंग में भी सेलेक्टेड फोटोज आते हैं, आधे पिक्चर्स तो वो लोग सेलेक्ट कर लेते हैं उनके उसमें, कि छोड़ो ना यार एल्बम नहीं बनानी, टीवी पे देख लेंगे। कौन मांगता है 5-5 घंटे की वीडियो? सब आ गई 10-15 मिनट की क्लिप के ऊपर। तो जब ये चेंजेस आ रहे हैं, मैं आपको डरा नहीं रहा, पर डरोगे तो अच्छा है, अपने ही काम लगेगा, ये रियल फैक्ट है। और जो आज चेंज नहीं हुआ, सही बोल रहा हूँ, जो आज चेंज नहीं हुआ, 5 साल बाद बहुत कुछ चेंज उसके साथ हो जाएगा। आज अपन मेंटेन कर पा रहे हैं अपने आप को, मुश्किल से कैमरा भी परचेज कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट फिर भी प्रॉब्लम आती है। ऑफ सीजन के अंदर लेंस परचेस करना हो, इवन छोड़ो लेंस की कैप अगर घूम जाती और वो परचेस करनी हो ना, तो भी फोटोग्राफर को प्रॉब्लम होती है। और एक दिल पे दुखने वाली बात बोलता हूँ, दिल पे दुखे तो बुरा मत लगाना, पर बुरा लगाओगे तो आपके लिए बेस्ट है। आज सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आप लोगों के ड्रीम की बात करता हूँ, जो गाड़ी पसंद थी उसमें आए हैं कि जो पॉकेट अलाउ करती थी उसमें आए? बताइए मेरे को, जो सपना था गाड़ी परचेज करने का बचपन में उसमें आए हैं कि जो पॉकेट अलाउ करती थी उसमें आए? मेरे ख्याल से सभी पॉकेट अलाउ करती थी उसी में आए, इसलिए एकदम सब सहम गए। अपने जो कस्टमर्स होते हैं, छुट्टियों के अंदर घूमने जाते हैं आउट ऑफ इंडिया, कभी जाते हैं कश्मीर, अपन नहीं जा पाते, अपने बच्चों को नहीं ले जा पाते। सही बोलूँ, रियल में सोचने वाली बात है, और सोचने वाली बात नहीं है कि अपने ऊपर एनालिसिस करने वाली बात है कि पिछले 20 साल में क्या किया, 10 साल से फोटोग्राफी कर रहे हैं क्या किया? फोटोग्राफी आप ही की है। एक जना 20 रुपए लेता है और एक जना ऐसा है जो 2 लाख रुपए लेता है। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ, लोग बोलते हैं पैसा नहीं देते, वो सब बहाने। अगर आपको मैं बोलूँ दीवार के पीछे 50 करोड़ है, आप किसी का बहाना सुनोगे? कैसे भी करके तोड़ोगे? अपना ड्रीम जो है ना, अपना जो लक्ष्य है वही छोटा है, कि वेडिंग कर लेंगे, पूरा हो जाएगा, देन फिनिश। मैं आपको एक श्योरिटी बताता हूँ, आज स्टेज पे खड़ा होकर बोलता हूँ और क्लासेस में भी बोलता हूँ, कि फोटोग्राफर्स बोलते हैं कि यार BMW ऑडी तो अपने कस्टमर्स के लिए, अपने लिए नहीं है। मैं बोलता हूँ इसी प्रोफेशन से मैं आपको BMW ला के दिखाऊंगा। तैयार है मेरे साथ? कौन कौन लाने को तैयार है? अपने लिए तालियां बजाओ, बोलोगे नहीं तो नहीं मिलेगा। मैंने सेमिनार के पहले ही कहा था JD भाई को और अभय भाई इनको, कि आज मेरे को सिर्फ यहाँ पे वो काम करना है कि बस अपनी चेयर पे बैठे ना तो बैठना नहीं चाहिए इंसान, आग लग जानी चाहिए। और वो कब होता है? क्योंकि अपनी लाइफ का कोई लक्ष्य नहीं है अपने पास, कोई लक्ष्य नहीं है। सिर्फ फोटोग्राफी क्यों कर रहे हैं? कोई रीजन है फोटोग्राफी क्यों कर रहे हैं? फोटोग्राफी इतना अच्छा फील्ड भी नहीं है कि वर्ल्ड का बेस्ट फील्ड हो। क्यों कर रहे हैं अपन फोटोग्राफी? पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और कोई जवाब नहीं होता अपने पास, सिर्फ पैसा कमाना। अभी मेरे पास एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं इसके लिए, बट पैसा तो
हर कोई इंसान कमाता है, एक भिखारी होता है वो भी पैसा कमा लेता है, उसका रोटी तो कमा लेता है, उसके बाद का क्या? उसके बाद का क्या? एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा बुरा लगे पर लगे तो लगा लेना, क्योंकि लाइफ चेंज करनी है। मैंने आपको कहा कि आज मेरे को आपको बहुत कुछ ऐसा दे के जाना है कि भाई आप अपनी लाइफ के बारे में सोच सकें, अपन इंसान बने। इंसान के पास सबसे बड़ी ताकत है सोचने की। दिन की रोटी और महीने की रोटी या साल की रोटी तो है ना, एक अपने घर में जब पालतू जो जानवर होता है ना उसको मिलती है। अपन इंसान बने, आप सोच के देखिए कि अपने अंदर कितनी काबिलियत है कर देने की। आपको पता है सबसे ज्यादा वजन उठाने का रिकॉर्ड किसके पास है? सबसे ज्यादा वजन उठाने का रिकॉर्ड किसके पास है? एक लेडी के पास है। उसने गाड़ी को उठाया था, क्यों? क्योंकि उसके नीचे उसका बच्चा था। जब अपनी नीड इतनी बढ़ जाती है ना, अपनी लक्ष्य इतना स्ट्रांग हो जाता है, तब जाके आदमी आगे बढ़ पाता है। सबसे पहली चीज, एक स्टोरी बताता हूँ, फिर मैं आपको इसके आगे का और प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगा। कि एक गुब्बारे वाला था, वो समुद्र के किनारे खड़े खड़े गुब्बारे बेचता था। जब उसकी सेल कम हो जाती थी ना, क्या लगता है कि यार आज सेल कम हो रही है, तो वो क्या करता था कि हीलियम गैस से भरे गुब्बारे उड़ाता रहता था। उसके पास रंग बिरंगे गुब्बारे थे, ठीक है। तो एक दिन उसके पास एक बच्चा आया छोटा सा, और उसका धीरे से कुर्ता खींचा कि बोले अंकल ये काला वाला गुब्बारा भी उड़ेगा क्या? तो वो एकदम सहम जाता है, उसके सिर पर हाथ रख के बोलता है बेटा गुब्बारा उसके रंग से नहीं उड़ता, उसके अंदर क्या है उससे वो उड़ता है। आज बैठे हुए सब शख्स एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है, बस आपके अंदर क्या है वो चीज आपको ऊपर ले जाएगी। कहीं से चेंज नहीं करना, आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपना जो माइंडसेट है, जो अपन ने अपना दायरा फिक्स कर रखा है कि वेडिंग, उसको भूल जाना। जिस दिन आप ऑल ओवर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गए ना, उस दिन आप चाहो वो चीज कर सकते हो। और ये जो दीवार के पीछे 50 करोड़ पड़े हैं ना, वो आपके, वो रियल में आपके। जिस दिन आपने मान लिया और ठान लिया, आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत गजब का इतिहास रच जाते हैं। क्या होते हैं वो? अपने बीच के ही लोग हैं। कोई अपने बीच का फोटोग्राफर होता है वो बहुत आगे पहुंच जाता है। ऐसा क्यों होता है? सिर्फ वो ठान लेता है। और फर्क कितना होता है, जब अपन आराम कर रहे होते हैं तब वो अपना दोस्त काम कर रहा होता है और कुछ भी नहीं होता। अपन फ्री टाइम में बैठते हैं, बोलते हैं प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं होता। हमारे पास स्टूडेंट्स आते थे तो बोलते हैं प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता, इतना बिजी होते हैं। मैंने कहा 24 घंटे आपको मिलते हैं और आप बोल रहे हो कि आपको प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है। किस चीज़ का टाइम नहीं है आपके पास? प्रैक्टिस करोगे तो आपका फोटोग्राफी इंप्रूव होगी, फोटोग्राफी इंप्रूव होगी तो आपके बीवी बच्चे खाएंगे, मेरे नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज़ मायने रखनी। इसलिए जो आपके मन में है ना, उससे आप, जो आपके दिल में है, दिमाग में है, उससे आप टॉप पे जाओगे। अदरवाइज आप कितनी भी अच्छा कुछ भी कर लो पर नहीं जा सकते। चेंज करना है सिर्फ खुद को, सिर्फ और सिर्फ खुद को। रेडी हैं आप लोग? अच्छी तरह से? यार मेरे से कम आवाज है, मेरे से बहुत ज्यादा लोग हो आप। यार तैयार है? दैट्स गुड। देखो फोटोग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, मेरे पास यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं फोटोग्राफी में। वो आपने हर एक जो इंस्ट्रक्टर है फोटोग्राफी का उससे सीखी होंगी, समझी होंगी। अपर्चर है, शटर है, ISO है, वाइट बैलेंस है, वो सारी चीज़ें अपने लिए हैं। बट उससे पहले जो मैं, ये जो मेरा सेशन रहता है ना, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि अपन कितना अपने आप को अंदर से निचोड़ सकते हैं। अपना लक्ष्य बनाएंगे सब लोग? अब कैसा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? नेक्स्ट सीजन में अपन को कैमरा परचेस करना होता है तो अपन को सोचना पड़ता है, लेंसेज परचेस करना होता है तो सोचना पड़ता है। बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है अपने साथ कि बिजनेस ग्रो कैसे किया जाए। कि यार मेरे पास 25,000 का कस्टमर है, कैसे मैं ऑर्डर करके उससे 50,000 ले लूँ या मैं 5 लाख ले लूँ? लोग बोलने से घबराते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आप 25,000 का ऑर्डर कर रहे हैं तो आप सीधा लाख रुपए के ऑर्डर पर पहुंचे, पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे जो भी बात करूंगा एकदम फैक्ट करूंगा। आप बोलो कि यार 25,000 का ऑर्डर लेके मैं उसको लाख रुपए का बजट दे दूं, उसका है ही नहीं बजट तो कहां से देगा। पर 25 से 35 तो पहुंच सकते हैं, ज्यादा नहीं करना। 25 से 35 पहुंचोगे, देखो कोई भी सक्सेस कोई बेल की तरह नहीं होती कि आज बोई और 4 दिन में बड़ा हो जाएगा। ये आपका एक फर्म है जिसको बढ़ने में टाइम लगता है, और जितनी मजबूती से आप बढ़ाओगे ना उतना आपको मजा आएगा। मैं भी जब सूरत में आया था तो 80 रुपए में 6-8 फोटो खींचता था। मैं भी उसी लेवल से आया हुआ हूँ जो मैंने आप लोग अभी कर रहे हो, मैं भी वही कर रहा हूँ। बस फर्क इतना है कि मैंने मेरा रेट बढ़ा दिया।
मैंने मेरा रेट बढ़ा दिया। और मैं आप लोगों से एक ये जो चीज़ मैं आज सेमिनार में बोलने वाला हूँ, मेरी यही चीज़ है कि आप अपनी रेट बढ़ाएं, खर्चे देख के, हर चीज़ देख के। रेट नहीं बढ़ेगा तब तक कुछ नहीं होगा। 25 से सिर्फ 35 पहुँचना है, उसको आप कुछ एक्स्ट्रा दिखाएं कि देखो आउटडोर शूट, अपन हर चीज़ फ्री में कर देते हैं। पहले स्टूडियो लाइट के जहाँ तक मेरे को ध्यान है तो अपन चार्ज लेते थे कि स्टूडियो लाइट ले जाएंगे तो 5,000 या 10,000 चार्ज लेंगे। कितने लोग लेते हैं स्टूडियो लाइट ले जाने का चार्ज? मेरे को एक या दो ही हाथ यहाँ खड़े मिले। पहले सब लोग चार्ज लेते थे, अब सब फ्री कर दिया है। मैं अभी कल शूज़ पॉलिश कराने गया था, मैंने उसको कहा था कि तू 10 रुपये लेता है, ठीक है 10 रुपये लेता है, तो एक काम करना तू मेरा 5 रुपये ले, ठीक है एक जूते के कर दे, एक जूता रहने दे। तो उससे मना कर दिया, बोले 10 रुपये लगेगा। और क्रीम वाली पॉलिश वो लेता है 20 रुपये, ठीक है। मैंने कहा तेरे को क्रीम ही तो लगानी है, एक्स्ट्रा क्या करना है यार, 10 रुपये में कर देना। तो बोले नहीं, आपको करवाना हो तो करवाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। उससे मेरे को सीधा ये जवाब दिया। अपन क्या बोलते हैं, चलो हो जाएगा, एग्री है मेरे से? अपन बोलते हैं हो जाएगा, क्यों देवे उसको इंपॉर्टेंस। लोग बोलते हैं पोर्ट्रेट क्लिक करने का टाइम नहीं मिलता, और मैं बोलता हूँ कहाँ टाइम चाहिए आपको पोर्ट्रेट क्लिक करने के लिए? कितना टाइम चाहिए पोर्ट्रेट क्लिक करने के लिए? एल्बम में कितने फोटोज लगते हैं? कितने वेडिंग के अंदर पोर्ट्रेट अपन क्लिक करते हैं मेरे को एक बात बताओ? 50 फोल्डर बनता है, 50 फोटो का पोर्ट्रेट का, 50 फोटो का एल्बम में, जितने फोटोग्राफर्स बोल रहे हैं, मैं यहाँ बैठ के बोल सकता हूँ कि 50 फोटो का पोर्ट्रेट का फोल्डर होता ही है। 50 काम आते हैं, लगते कितने एल्बम में? 5-10, ज्यादा से ज्यादा 15। क्या आपको 50 फोटो का अलग से एल्बम देता है? अपन देते हैं उसको कस्टमर को चार्ज लेके? नहीं देते। तो क्लिक क्यों करते हैं, क्लिक क्यों करते हैं जब एक वो शू पॉलिश वाला एक क्रीम एक्स्ट्रा नहीं लगा सकता, और अपन उसको पूरी के पूरी पोर्ट्रेट, उसको 50 फोटो लो, आप डीवीडी में भी ले जाओ, आपको एक्स्ट्रा डीवीडी भी करके दे देंगे। हर चीज का अपन अपनी इंपॉर्टेंस घटाते हैं, फोटोग्राफी की नहीं, अपन अपनी इंपॉर्टेंस नहीं आंकते कि मैं क्या हूं। क्या अपने एक क्लिक की वैल्यू नहीं है? अपने एक क्लिक की वैल्यू नहीं है? अपन एक एक क्लिक की इंपॉर्टेंस नहीं समझते, रियल फैक्ट। उसमें कस्टमर की नहीं, अपन अपनी इज्जत डाउन करते हैं कि मैं आपको ये भी कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? अपने बीवी बच्चे नहीं है? कैमरा लाने के लिए पैसा नहीं लगता? फ्री में किसको कैमरा मिला यहाँ पर, बता सकता है किसको फ्री में मिला? मेरे को तो नहीं मिला। जिस दिन पहला कैश दिया उस दिन मेरे हाथ में कैमरा आया था, बाकी नहीं आया था। तो क्यों फ्री में देते हैं जब फ्री? इसलिए आज हमारे यहाँ तो स्टूडेंट्स आए थे, ठीक है, मैं अगर बोलता राजू भाई और अभय भाई को कि हमारे स्टूडेंट्स को मेरा सेमिनार है फ्री कर दो, पर मैं क्यों ऐसी आदत डालूं? जब तक किसी का पे नहीं करोगे तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। अपन सीखने के लिए कितना पैसा लगाते हैं फोटोग्राफर्स में? मैं हर बार सेमिनार में सुनता हूँ कि खाने का टाइम होता है इसलिए सब फोटोग्राफर्स आ जाते हैं, बाकी सेमिनार्स के टाइम गायब हो जाते हैं थ्योरी के टाइम पर। मैंने सुना है, पर आज मेरे को सब बैठे हुए मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर एक चीज़ का मैं आपको फर्क बताता हूँ कि शरीर का ये ऊपर का हिस्सा और शरीर का ये नीचे का हिस्सा, दिन भर में पेट को कितना खिलाते हैं अपन? कितना खिलाते हैं? सुबह नाश्ता करते हैं, दिन में खाना खाते हैं, शाम को नाश्ता करते हैं, रात को खाना खाते हैं, ठीक है। अब शरीर से मेहनत करके कितना कमा लोगे दिन का? 200 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये? एक मजदूर कितना कमाता है? 1,000 रुपये ज़्यादा मैंने किसी मजदूर को कमाते नहीं देखा दिन का। पर शरीर के ऊपर वाले हिस्से पे आप इस दिमाग से 2 इंच की जो आपकी जो स्पेस है ना, उससे कितना कमा सकते हैं? है कोई लिमिट? है कोई लिमिट? तो ज़्यादा खर्चा किस पे करते हैं? इस पे कि इस पे? अपन हर चीज़ खाने के लिए निकालते हैं कि यार ये भी खा लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, पर दिमाग के लिए कितना खर्चा करते हैं? कितना? कहाँ 500 रुपये भी खर्च करने पड़ते हैं तो सोचते हैं जाने दो ना, क्या करेंगे यार, हो जाएगा। अगर होना होता तो आज तक हो चुका होता और आपका उस वर्ल्ड फोटोग्राफर्स की लिस्ट में नाम होता। कौन कौन अपना नाम वहां पर लाना चाहते हैं? बहुत कम लोग हैं यार, क्या बात है। इसलिए बोल रहा हूँ जागना है फोटोग्राफर्स। अभी भी अगर नहीं जगेंगे ना तो बहुत दिक्कत आने वाली है आगे, बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आज वो दिख नहीं रहा। वो एग्जांपल कहते हैं ना अपन स्कूल्स में पढ़े कि डायनासोर्स वक्त के साथ बदले नहीं तो आज है नहीं, और मगरमच्छ बदल गए तो आज तक है। अगर अपन नहीं चेंज होंगे तो वक्त बदलेगा, और वक्त जब बदलेगा ना तो वक्त की मार बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज पड़ती है वो, इसलिए बदलना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ की इंपॉर्टेंस है, आपके एक क्लिक की इंपॉर्टेंस है। और एक चीज़ मैं आपको और एक्सप्लेनेशन देता हूँ बिजनेस ग्रो अप करने का, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ।
मेरे वेडिंग की एल्बम अगर मैं आज आप लोगों को दिखाऊं कि मेरे पिक्चर्स मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूं, किस किस को इंटरेस्ट आएगा? एक दो पिक्चर्स का इंटरेस्ट आएगा, पांच पिक्चर्स का इंटरेस्ट आएगा, दस पिक्चर्स में इंटरेस्ट आएगा? पूरा एल्बम देखते हैं किसी का भी नहीं आएगा ना? तो अपन अपने कस्टमर के साथ क्या करते हैं? वही एल्बम दिखाते हैं, पोर्ट्रेट। इंसान को सिर्फ अपना चेहरा पसंद होता है, उसके अलावा उसको सिर्फ दूसरा नॉर्मल लगता है। अगर मैं आज आपको बोलूं कि अगर आपके चेहरे की इंपॉर्टेंस नहीं है कि मैं आपके चेहरे पे तेजाब डाल दूं, कौन कौन डालने देगा? मैं आपको देता हूं 5 करोड़ रुपए डालने दो, कोई तैयार है? 10 करोड़ देता हूं, 50 करोड़ देता हूं, कौन तैयार है? कोई तैयार नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर आप उसको, इंसान का एक नेचर होता है थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं सेल्फिश होता है, ठीक है? उसको दूसरे की वेडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको पता ही नहीं फोटोग्राफी है क्या आपके कस्टमर को। पर जब आप खुद देखना, आपका मूड बिगड़ा होता है, ठीक है, अपना प्रेशर होता है, और आप अगर अच्छे से अच्छे सीनरी के पिक्चर्स देखते हैं, फ्लावर्स के पिक्चर्स देखते हैं, खूबसूरत फोटोज देखते हैं, तो आपका खुद अपने आप मन हल्का हो जाता है। अपना कस्टमर आया, दिन भर तो थका आ रहा है, ठीक है, वो आया ना, आप उसको वेडिंग का एल्बम दिखाते हो, उसको क्या लेना देना दूसरे के फोटो से यार? उसको उसका वेडिंग सुधारना है। आपको वेडिंग फोटोग्राफर है वो, तो उसको पता है कि आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हो, इसलिए आपके पास आया वो। तो उसको क्या कुछ ऐसा दिखाया जाए? अगर नेचर की फोटोग्राफी देख के अगर आज अपने को खूब शांति मिलती है मन की, तो क्यों ना कस्टमर को वो दिखाया जाए? आपको आपका टैलेंट दिखाना है, वेडिंग फोटोग्राफी नहीं दिखानी। हर एक फोटोग्राफर आप देखना, अगर स्टूडियो के अंदर सभी के वेडिंग पिक्चर्स या स्टूडियो पोर्ट्रेट, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता, कभी ट्राई भी नहीं करते। आप एक चीज़ ट्राई करें, मैं आपको फैक्ट बोलता हूँ, अगर आपका वो चीज़ नहीं होता तो वो जो आप एल्बम बनाओगे ना, वो चीज़ का पैसा आप मेरे से ले जाना। आप एक अच्छी से अच्छी खूबसूरत नेचर के पिक्चर्स की कलेक्शन बनाओ, वो आप अपने स्टूडियोज में लगाओ, बेस्ट से बेस्ट आपकी फोटोग्राफी दिखाओ। आपने कभी भी देखा होगा, जो जिन बड़े बड़े फोटोग्राफर्स का नाम देखते हैं, उनके पास कभी समुद्र का फोटो होता है, कभी किसका फोटो होता है, कभी किसका फोटो होता है, क्या मतलब है उनका? वो फोटो कभी कमाई देते हैं? पर आपने देखा ऐसे फोटोज आज आपको कितना लाखों रुपए का कमाई दे सकते हैं। आप ट्राई तो करें कोई चीज़ का, कुछ चीज़ क्रिएटिविटी आप अपने एल्बम में अपने कस्टमर को दिखाओ। डेफिनेटली जब आप अपना टैलेंट शो करोगे, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि वो आपको 25 से 35 बोलोगे, वो आपको देके जाएगा, गारंटी के साथ देके जाएगा। वेडिंग एल्बम तो वो 10 स्टूडियो पे घूमेगा, उसको मिलनी ही मिलनी है, मिलना ही मिलना है। और फोटोग्राफ्स में कोई चेंजेस नहीं होता। आप अपना पुराना एल्बम देखो और आज का एल्बम देखो, क्या फर्क है? पोर्ट्रेट वही है, पोज वही है, लाइटिंग वही है, सब कुछ वो है। लाइटिंग के मेथड कुछ 5-6 बेसिक मेथड है, उसके अलावा कोई नया मेथड नहीं है। तो फिर नया है क्या? कस्टमर क्यों बुलाएगा आपको? वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्रिएशन देखेगा, आपका टैलेंट देखेगा। टैलेंट के अलावा वो नया कुछ नहीं देखना, वो आपको टैलेंट बेचना है। और अगर कुछ बिकता है ना, तो आपका टैलेंट ही बिकता है और कुछ नहीं बिकता। आज मेरे अंदर से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं यहाँ खड़े होकर सेमिनार दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे अंदर से मेरी नॉलेज गायब कर दो, कोई सुनेगा मेरे को? कोई नहीं सुनेगा। तो फिर जो बिक रहा है आपका टैलेंट बिक रहा है, तो पहले काबिल तो बने, उस लायक तो बने कि अपन वो चीज़ क्रिएशन कर सकें। अपन वो नहीं कर पाते, कहाँ कहाँ अटकते हैं अपन, वो कमियाँ अपने को देखनी है। सबसे पहली चीज़ नेचर फोटोग्राफी होती है ना, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होती है, माइक्रो फोटोग्राफी होती है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी होती है। वेडिंग में ज़्यादा कमाई है कि प्रोडक्ट में ज़्यादा कमाई है? तो करते क्यों नहीं? जब प्रोडक्ट में ज़्यादा कमाई है तो करते क्यों नहीं है? सबको पता है प्रोडक्ट में ज़्यादा कमाई है, अच्छे से अच्छी एड फिल्म बनती है, एक एक प्रोडक्ट का आप चाहो तो 5,000, 50,000, 5 लाख या 5 करोड़ आप ले सकते हो। तो फिर करते क्यों नहीं? प्रॉब्लम यह आके खड़ी हो जाती है कि हमको नहीं आता, लोग पैसा नहीं देते, पैसा कोई नहीं देता, कोई भी नहीं देता। पैसा सिर्फ निकालने का एक मेथड है, वो आपको आना चाहिए अगर आप बिजनेसमैन हैं तो। वो कब आएगा? जब आपकी आर्ट वैसी है। अगर सिर्फ बोलने से नहीं आएगा। कई लोग आपने देखे होंगे कि जो बहुत अच्छे से फोटोग्राफर होते हैं, बहुत हायर लेवल पे होते हैं, कई होते हैं जो बहुत बेहतरीन फोटोग्राफर हैं बट कहीं नहीं पहुंच पाए, और कई होते हैं जो फोटोग्राफर ही नहीं होते, ठीक है, बट फिर भी बड़े से बड़े ऑर्डर ले लेते हैं, 5 लाख 10 लाख के। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? रीज़न क्या होता है कि यार जिसको फोटोग्राफी नहीं आती वो 5 लाख 10 लाख का ऑर्डर ले जाता है, और एक बेस्ट फोटोग्राफर है वो बिल्कुल ठाला बैठा है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा? क्योंकि हर चीज में आज आपको एक्सपर्ट होना ही पड़ेगा। अगर आप बिजनेस लेके बैठे हो, आर्ट लेके बैठे हो, पुराने लोग आपने देखा होगा आर्टिस्ट होते हैं, आर्ट तो अच्छी अच्छी बनाएंगे पर फटे हाल में होंगे,
अब वैसा काम नहीं चलता क्योंकि पीछे अपनी फैमिली है। कब तक अपन ये सोच में रहेंगे कि यार ठीक है जो मिल रहा है उससे गुजारा कर लिया अपना काम हो गया? नहीं होगा। आज कौन कौन लोग, सभी लोग करते हैं, हम भी करते हैं, मैं भी करता हूं कि लिमिटेशंस में आ जाते हैं। कर की ईएमआई है, गाड़ी की ईएमआई है, दुकान का खर्चा चलाना है, भाड़ा भरना है, सब कुछ करना है, बट ग्रोअप तो करना है, उससे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सोचते रहेंगे कि यार ये प्रेशर है वो प्रेशर है तो कुछ भी नहीं होने वाला। बाहर तो निकलना पड़ेगा, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। अपन को एक रूम में बैठे होते हैं, गर्मी लगती तो क्या करते हैं, एसी का बटन दबाते हैं ना, दबाते हैं ना। अगर वो नहीं दबाएंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। एक दोस्त अपने दोस्त के घर जाता है और उसको पूछता है कि यार ये उसका एक कुत्ता सोफे पे बैठा होता है और कांव कांव धीरे धीरे चिल्ला रहा होता है। ठीक है, तो उसको पूछता है कि यार ये चिल्ला क्यों रहा है? तो बोले उसके नीचे एक सुई है जो उसको चुभ रही है। तो बोले वहां से उठ क्यों नहीं जाता? तो बोले उसको इतनी भी नहीं चुभ रही है इसलिए नहीं उठ रहा हूं। अपने साथ वही कंडीशन होती है, अपने साथ एग्जैक्टली वो कंडीशन है कि अपने नीचे भी सुई तो चुभ रही है अपन को, पर इतनी ज्यादा नहीं चुभ रही कि अपन स्टेज से हट के निकल जाए वहां से। चुभ रही है तो चुभने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। ये एग्जैक्टली अपने साथ हो रहा है, रियल लाइफ में हो रहा है। और जब तक अपनी नीड इतनी स्ट्रांग नहीं होगी ना कोई चीज पाने की, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। सुकरात के पास एक स्टूडेंट गया, शिष्य गया कि बोले मेरे को सक्सेस, सफलता का एक तरीका सिखाओ कि मैं कैसे सक्सेस हो चुकूं। तो बोले काम करना, कल सुबह 4 बजे नदी किनारे आना। वो नदी किनारे थे, वो उसके पास गया और पानी के अंदर ले गया और उसको डुबो दिया पानी के अंदर। तब तक डुबाए रखा, तब तक डुबाए रखा जब तक कि वो नीला नहीं पड़ गया, एकदम लास्ट स्टेज पे नहीं पहुंचा। और उसको तुरंत बाहर निकाला और उससे पूछा कि बोले, शिष्य ने बोला कि गुरु जी ये क्या किया आपने? तो उसने एक क्वेश्चन पूछा गुरु जी ने कि बोले कि जब तू पानी के अंदर था तो तेरे को किस चीज़ की ज़रूरत थी? तो बोले सांस की, हवा की। तो जब तक सफलता की आपका स्टेज, जो आपका लक्ष्य इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा ना सांस की तरह, तब तक नहीं मिलेगा वो, तब तक नहीं मिलेगा। फ्री हो गए बैठे हैं अपन बरसात के टाइम में, बिल्कुल फ्री बैठे हैं, कुछ नहीं करना, करते हैं। मैं देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा, एसोसिएशन का जब सेमिनार होता है ना तब लोग बोलते हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं बोले कि जिससे किसी का दिल दुखे। मैंने कहा मैं ऐसा क्यों नहीं बोलूँ कि दिल नहीं दुखे? अगर दिल नहीं दुखेगा तो वही होता है कि सुई थोड़ी सी चुभ रही, ज़्यादा नहीं चुभ रही। वो ज़्यादा चुभाने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। जिस टाइम तक वो नहीं चुभेगी, जिस टाइम आपको वो हर्ट नहीं होगा कि नहीं यार ये स्टेज मेरी नहीं है, मेरे को वहाँ पहुँचना है। मैं आपको फैक्ट बोलूं, मैं मेरा एग्जांपल देता हूं, मेरे को नहीं पसंद था कि मैं लोगों के बीच में बोल सकूं। मैं आज भी लोगों के बीच में बोलने से कतराता हूं, पर मेरे को एक चीज़ सेपरेट चाहिए थी, मैंने अपनी बना ली। क्या आप लोग तैयार हैं? इससे नहीं होगा। तैयार है? गुड। जोश आना चाहिए यहाँ पे, फायर सिस्टम की जरूरत पड़नी चाहिए, इतनी आग अपने अंदर आ जानी चाहिए, इतना हौसला आ जाना चाहिए अपने अंदर कि फोटोग्राफी का टॉप लेवल तो मेरा ही है और किसी का नहीं, और किसी का नहीं। जिस टाइम तक वो जोश नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। और एज कोई मायने नहीं रखती। मेरे को एक बहुत टाइम पहले की बात है, जब मैं फोटोग्राफी फील्ड में आया था तब मेरे को एक एज में थे, उन्होंने मेरे को बोला था कि मेरे को 40 साल का एक्सपीरियंस है बेटा, तेरे को 4 साल हुआ है। मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल, पर आज की तारीख में एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता है, नॉलेज मायने रखती है। आज छोटे से छोटा डॉक्टर होता है, 4 साल डॉक्टरी करा हुआ होता है, 2 साल MD करता है, और अपन जाके 60 साल का आदमी भी उसको ही दिखाता है। 60 साल का एक्सपीरियंस है यार, खुद इलाज कर लो ना, क्यों जाते हैं डॉक्टर के पास? जितनी नॉलेज आपके पास है ना वो मायने रखती है। एक्सपीरियंस का चैप्टर अब पुराना हो चुका है, एक्सपीरियंस मायने रखता है, पर कब? जब आपके पास उतनी नॉलेज है तब, उसके अलावा कुछ नहीं। और उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी, सिर्फ और सिर्फ आपको दिल दिमाग से अपनी फोटोग्राफी को यूज़ करना है। आपका जो कैमरा है, लोगों के पास 90 है, 40 है, डजंट मैटर, आपके पास जो कैमरा है उससे आप आउटपुट निकाल सकते हो, उतना तो बेस्ट करो। बात की बात जाने दो कि Mark 3 से अच्छे पिक्चर आते हैं, 800 से अच्छे पिक्चर आते हैं, आते हैं, बट अपने कैमरे की इंपॉर्टेंस तो समझो। आपको जहां वेडिंग करनी है, जितना लिमिट करना है उसकी इंपॉर्टेंस समझो। कई ऐसे पिक्चर होते हैं जो D40 से और ऐसे क्लिक्स होते हैं जो सुपर होते हैं। फोटोग्राफी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेंस है, सिर्फ और सिर्फ एक सेंस। जिस दिन आपके अंदर वो आ गया आप बेस्ट से बेस्ट फोटोग्राफी कर सकते हो, और वो सेंस है लाइट। मैं आपको लाइट के ऊपर एक्सप्लेनेशन दूंगा आज, किसी को बोर भी लग रहा होगा, पर मैं कहीं ना कहीं वो पॉट की तरह जो आपको है ना थोड़ा बहुत तो लिख के जाऊंगा कि कहीं ना कहीं दिल को लगे
कि नहीं यार जिस स्टेज जो आज जिस स्टेज पर मैं बैठा हूँ ना कहीं थोड़ी बहुत सुई तो चुभ रही है, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत तो चुभ रही है। और जिस दिन वो चुभ गई तेज, दो चील आसमान में उड़ रही होती है तो ऊपर से एक रॉकेट जाता है तो एक दूसरे को बोलती है यार दिखता तो अपने जैसा है पर इतना तेज क्यों जा रहा है, तो वो दूसरा उसको बोलता है देख उसके पीछे आग लगी हुई है, जब तक आपके पीछे आग नहीं लगेगी ना तब तक कुछ नहीं होगा, वो तो लगानी ही पड़ेगी, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है कि अपन अपनी जो सिचुएशन है उससे आगे निकल सके, कोई सिचुएशन नहीं है, कोई अपने को आके ये देने नहीं वाला है, भगवान देने नहीं वाला है कि भाई ये ले बेटा तू बहुत अच्छा दिख रहा है आज तेरे लिए ये गिफ्ट है, कोई पड़ोसी आके मदद नहीं करने वाला, कोई भी कभी भी देखा है ना अपन ने देखा कि जब अपन अकेले होते हैं जब अपन बहुत टेंशन में होते हैं या पैसे का बोझ होता है कौन आके मदद कर जाता है, कोई गिनो चुना होता है कोई मदद कर जाता है, बाकी आपकी जितनी मुसीबत होती है खुद को झेलनी होती है, तो ये मुसीबत भी अपनी है और इसको बड़े प्यार से झेलोगे ना। जब मेरे पास फोटोग्राफी का प्रेशर आया था ना मेरे पापा से कि आप साला करना कुछ नहीं, बचपन से ही बहुत पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट था, लास्ट में से फर्स्ट में ही आता था क्लास में, तो जब बड़ा हुआ ट्वेल्थ का हुआ ट्वेल्थ क्लियर करी तो फिर करना क्या, कोई ऑप्शन नहीं बचा था मेरे पास कुछ करने का, इसलिए मेरी मजबूरी आ गई कि अब मेरे को फोटोग्राफी ही करनी। पर एक चीज सोच रखी थी, एक चीज दिमाग में थी कि कोई ये जो बोलता है ना ये फोटोग्राफर इधर आ, वो चीज नहीं करूंगा, वो चीज नहीं करूंगा, कभी भी अप्लाई मेरे ऊपर तो नहीं होने दूंगा, वो चीज सोच के मैं इस फील्ड में आया था और आज आपके सामने खड़ा हूं। ज्यादा बड़ा ही नहीं कर रहा पर जो फैक्ट है वो बता रहा हूं आपको, वो चीज आपको सोचनी है, अपनी इमेज अपना पैसा सब कुछ बनाना है। मैं आपको बोलूं कि आपकी सैलरी आपकी 1 करोड़ रुपए महीने की है ठीक है, मैं आपकी जितनी इंसल्ट करना चाहूं मैं कर सकता हूं, कौन तैयार होगा इज्जत को छोड़ के, कोई तैयार नहीं होगा, तो फिर अपना अपनी इमेज क्यों नहीं बना पाते। ड्रेस कॉम्बिनेशन का थोड़े दिन पहले व्हाट्सएप पे मेरे पास एक फोटोज आए थे, सभी के पास आए होंगे व्हाट्सएप यूज करने वाले फोटोग्राफर्स और एक वेटर्स का, वो प्रॉपर ड्रेस कोड में होते हैं अपन नहीं होते। छोटी छोटी चीजें बहुत छोटी छोटी, विवेकानंद जी ने एक बात बोली है कि बोले एक बंदे ने उससे पूछा कि बोला पर छोटी छोटी बात पे क्यों गौर करते हो, तो बोले छोटी छोटी बातें मिलके बड़ी बात बनती है और बड़ी बात कोई छोटी बात नहीं होती, आपका ड्रेस आपका बात करने का तरीका आप कैसा आउटपुट दे रहे हो, कस्टमर आपके पास आया वो आपको आपका काम नहीं देखता पहले आपको देखता है, जब तक आप नहीं होंगे सिस्टमेटिक तो आपको काम कैसे मिलेगा, बोले यार आप कर लेते हो हम नहीं कर पाते, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे फादर आज यहाँ पे हैं आप उनसे पूछ सकते हो, जब मैं 11th 12th में था ना घर में गेस्ट आते थे ना मैं पीछे रूम में चला जाता था, बात करने से कतराता था, बोलता नहीं था, मेरा इतना कोई ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं था, बट मेरी सिर्फ सोच थी कि मेरे को वो फोटोग्राफर तो नहीं बनना है जिसको आदमी बोला है ये फोटोग्राफर इधर आ। कौन कौन यहाँ ऐसा है जो वेडिंग कंप्लीट करने के बाद, मैं एक्सपोजिंग ही करते हैं मैं और क्रिएट भाई हम एक्सपोजिंग ही करते हैं, फोटोग्राफी के ऑर्डर्स बहुत कम लेते हैं ठीक है, पर दुल्हा दुल्हन से लास्ट में जब होता है और उसको कांग्रेस करके आते हैं कितने फोटोग्राफर जैसे हैं, उसका इंप्रेशन पड़ता है, जो नहीं करते वो करना चालू करो, फर्क कुछ नहीं पड़ता, लास्ट में जाके उससे सिर्फ हाथ मिलाना है। मैंने उसका इतनी इंपॉर्टेंस देखी है कि वो खाना खाते खाते भी आपके पास कई बार उठ जाते हैं कि बोले यार थैंक यू सो मच आपने बहुत अच्छा काम किया और मजा आया आपसे काम करने में, और एक्सपोजिंग पे जाते हैं मेरे ख्याल से कोई नंबर नहीं देता किसी को, नहीं देते ना, पर कई बार ऐसा हो जाता है हमारे साथ कस्टमर मांगता है, बट वो अपना एक रूल है कि नहीं देना वो एक चीज अलग है, पर वो मांगता है आपकी इंपॉर्टेंस वहां पे उतनी क्रिएट हो जानी चाहिए। मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है कि जिसके फंक्शन में मैं गया हूं ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंस किसकी होगी, जिसका फंक्शन है उसकी, पर उससे ज्यादा उसने दुल्हन ने ये बोला है कि वो भाई को नहीं उस भाई को बुलाओ वही फोटोग्राफी करेगा, ऐसे आपकी इंपॉर्टेंस वहां पे जब तक नहीं क्रिएट होगी तब तक पैसा तो भूल जाओ, जब तक काबिल नहीं बनेंगे ना कामयाबी तो नहीं मिलने वाली, कामयाबी नहीं मिलने वाली, सिर्फ और सिर्फ अपना सोच। पता है एक गांव था, एक शू बनाने वाली कंपनी थी, वहां पे अपने उस गांव के अंदर 2 सेल्समैन को भेजती है कि बोले जाओ और वहां का पहले एनालिसिस करके आओ कि कितना अपन को डेवलप करना है अपने लिए, कितना मैन्युफैक्चरिंग करें, शूज कितने बनाए। तो एक सेल्समैन पहले गया, उसने बोला कि यार कंपनी में कॉल किया, बोले साहब जितना लोड बना रहे थे ना बंद कर दो, यहाँ तो कोई शूज नहीं बनता, यहाँ कोई पहनता ही नहीं, सब नंगे पांव घूमते हैं यार, कोई मतलब नहीं बनाने का। और तुरंत दूसरे सेल्समैन का कॉल आता है, बोले जितना लोड आप बना रहे थे उसका डबल कर दो। तो बोले ऐसा क्यों यार,
बोले कि सर यहाँ पर जो जो जूते नहीं पहनते अपन सिखा सकते हैं उनको जूते पहनना। कंपनी वही थी, सब कुछ सेम था, उसकी सिर्फ सोच अलग थी कि भाई यार अपन ये कर सकते हैं। और वही आदमी सक्सेस होता है जो सिर्फ सोच बदलता है। खाना पीना बदलने से कोई आदमी को कभी देखा हो टॉप पे जाते हुए? नहीं जाता। सिर्फ दिमाग को खिलाना, टारगेट बनाओ कितना दिमाग को खिला सकते हो, जितना ज्यादा हो कि यार आज एक पिज्जा नहीं खाएंगे चलेगा, पर दिमाग को खिलाना है 500 रुपए का। और जिस दिन ये टारगेट आपका हो गया कि नहीं अब दिमाग को ही खिलाना है, पेट को नहीं, पेट को तो जितनी जरूरत है उतना खिलाओ और खुश करो, क्योंकि दिमाग से पैसा आएगा और किसी चीज से पैसा नहीं आएगा। क्योंकि मजदूर को कभी करोड़पति बनते देखा है? अगर मेहनत करने से पैसा आता तो आज गधा सबसे ज्यादा करोड़पति होता, क्योंकि सबसे ज्यादा वो मेहनत करता है। अपन को करनी है मेहनत दिमाग से। टैलेंट आप अपना कितना बढ़ा सकते हैं, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ एज लिमिट कोई नहीं है। यहाँ पे यंग से यंग लोग भी हैं और एज से एज वाले लोग भी हैं। आप चाहो तो आज से, गुजराती में कहावत है ना, जाग्या दाती सवार, जिस दिन से जागोगे ना उस दिन से आपके लिए सवेरा है। अभी तक नहीं जगे तो आज जाग जाओ। फोटोग्राफी बहुत ईजी है, बहुत ईजी मतलब चुटकी बजाने का खेल है फोटोग्राफी सीखना, बड़ी बात नहीं है जो हम सिखाते हैं। पर उससे पहले जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आपके अंदर वो जज्बा आ जाना चाहिए, वो जुनून आ जाना चाहिए कि मेरे को ये चीज़ करनी है। अगर वो चीज़ है इस दुनिया में तो मेरे पास क्यों नहीं। अपन अच्छे से अच्छे वॉलपेपर देखते हैं, बंगले देखते हैं, उसका इंटीरियर देखते हैं ना, सब नेट पे लगता है ना कि ऐसा घर अपना हो। किस किस को लगता है? दिल से लगता हो ना तो हाथ ऊंचा करो। लगता है ना, होता है अपने पास? क्यों नहीं होता यार, दुनिया में चीज है तो वो तो मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं सोचते? वो नहीं सोचते इसलिए अपने पास नहीं है। आप सोच के देखो और उसके पीछे एक्शन प्लान करके देखो, डेफिनेटली मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि वो आपकी होगी, होगी ही होगी। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उसे आपका होने से मना दे। वो शाहरुख खान का वो डायलॉग है ना कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो पूरा जहान आपके लिए लग जाता है, ये वो चीज है। आप उसको चाह के तो देखो एक बार, कैसे नहीं मिलती। एक आदमी मर के भगवान के पास गया, उससे बोला कि यार दुनिया में इतने लोग मांगते हैं आपसे, मेहनत भी करते हैं, ठीक है, तो आप उनको उनका गिफ्ट क्यों नहीं देते, उनकी मांगी हुई चीज क्यों नहीं देते? बोले लोग उस वक्त रुक जाते हैं, भगवान बोलते हैं उससे, लोग उस वक्त रुक जाते हैं जब उनका गिफ्ट जाने वाला होता है, लास्ट स्टेज पे होता है। अपन मेहनत करते हैं, रुक जाते हैं, क्लिक करते हैं, थोड़ी बहुत क्लिक करते हैं, यार ऐसा क्लिक हमारा तो आपका आपके वहां हो जाता है, हमारे वहां नहीं होता, वो बंदा कर लेता है क्लिक, मेरे से नहीं होता, बस वहीं अपन रुक जाते हैं। वो कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी, वो मकड़ी वाली 10 बार चढ़ती है 10 बार गिरती है, पर अपने ऊपर अप्लाई करते हैं? यहां ऐसे कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कोई सेमिनार फोटोग्राफी का अटेंड कर रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं? एक या दो, कुछ 3-4 लोग हैं, ठीक है, बाकी सब लोगों ने पहला अटेंड कर चुके हैं, फोटोग्राफी सीखी है। क्या किसी ने जाके अप्लाई किया? किस किस ने अप्लाई किया? आगे वैसा का वैसा आउटपुट जो अपन देखते हैं, जो स्टेज पर खड़ा होकर फोटोग्राफर बोलता है या बेस्ट से बेस्ट फोटोग्राफर है, वैसे क्लिक्स आते हैं? नहीं आते। क्यों? क्योंकि रुक जाते हैं, मेहनत करते करते रुक जाते हैं कि यार 4 क्लिक किए, 5 क्लिक, जाने दो ना, छोड़ो यार, अपना जो चल रहा है वो ठीक है। तो फिर जो चल रहा होता है ना, फिर वही मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा पाने की चाह है तो सही बोलूँ, रात को नींद नहीं आनी चाहिए आपको। वो जुनून अपने अंदर ला देना है कि यार ये चीज़ मेरे लिए क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। सोच सकते हैं ऐसा? एक आदमी की आवाज आई, यार तैयार हैं आप लोग? देखो ये चीज मेरे लिए इसलिए जरूरी थी क्योंकि आगे मैं आपको फोटोग्राफी बताने वाला हूं, और जब तक पूरी तरह से माइंड ओपन नहीं होगा ना, तब तक वो बात जाएगी नहीं। और मैं तो मेरे काम में बहुत एक्सपर्ट हूँ, बहुत मतलब बहुत। मेरा काम है आज का कि आपके दिल तक, दिमाग तक वो बात पहुंचाना, तो कैसे भी करके पहुंचाऊंगा, कैसे भी करके पहुंचाऊंगा। फोटोग्राफी को आप चाहो वैसे आप बना सकते हो, चाहो तो इजी बना सकते हो, चाहो तो बहुत टिपिकल बना सकते हो।